मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई हो। बहुत ही संतोष के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आज नवंबर 9वां तारीख है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा 8 दिन खत्म हो चुके हैं। 9वें दिन को देखकर परमेश्वर की स्तुति करता हूं। हर एक दिन के वचन को जब आप सुनते हो, एक बात आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि परमेश्वर आपको बहुत सुंदर से चला रहा है। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी भी बेकार नहीं लौटेगा। जो कुछ वो करना चाहता है उसे करने के बाद ही लौट आएगा। तो आज जो वचन आप सुनने वाले हो, आप मुझे ही कह रहे हो परमेश्वर, आप मुझे ही से बात कर रहे हो हे पिता, ऐसा अगर आप ले लो तो बहुत ही सामर्थ्यपूर्वक आप काम करेगा। परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। आशा करता हूं कि आप तैयार हैं। पहले कुरिन्थियों की पत्री 12वां अध्याय के 10वें वचन में बहुत सारी चीजें प्रेरित पौलुस कहता है। सिर्फ एक ही शब्द मैं वहां से लेना चाहता हूं। बाइबल बताती है, और किसी को भविष्यवाणी की। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, हर दिन पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाए जाते हैं। यही जो है, परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक भार दिया है कि आपसे बात करें हर दिन पवित्र आत्मा के साथ। तो हर एक दिन जो इन आखिरी दिनों में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाया जाना बहुत जरूरी है। अभिषेक में भरकर जब प्रार्थना करते हो, आपके अंदर भविष्यवाणी का यह वरदान अगर काम करे तो आप अपने आप को आशीष बनकर रहोगे, आप अपने घर को आशीष बनकर रहोगे, आप परमेश्वर के बच्चों के लिए आशीष बनकर रहोगे, दूसरों के लिए आशीष बनकर रहोगे। देखा आपने, ये भविष्यवाणी का वरदान जो बहुत ही विशेष वर है। आप क्या सोचते हो, ये सिर्फ आप जैसे सेवकों के लिए है, बहुत ही प्रसिद्ध लोगों के लिए है, बहुत बड़े नाम पाए हुए लोगों के लिए है। परमेश्वर उन्हीं को सब चीजें देता है। बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो, आप देखिए, अभिषेक में जो है वही जो है भविष्यवाणी का वरदान है। तो वह मानसिक स्तर जो वहां से बाहर निकलना है। दूसरी बात, यह आपके व्यक्तिगत जिंदगी के लिए, पारिवारिक जिंदगी के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों को चलाने के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत ही सहायतामंद होगा। भविष्यवाणी का वरदान परमेश्वर के लोगों, आने वाले चीजों के बारे में पहले से ही जानना। इन दिनों में हम सब अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ही बुरे दिन में हम जी रहे हैं। इन बुरे दिनों में बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करना, घर के कामों को देखना, उसके बाद जब समय मिलता है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रयोजन का काम बनकर रहना, इट्स नॉट सो ईजी, उतना आसान नहीं है। बहुत समस्याओं को हमें झेलना पड़ता है। शैतान बहुत सारी चीजें उत्पन्न करता है पर हम उसे देखकर नहीं डरते हैं। पर परमेश्वर के सही समझ हो तो आसानी से आप उसके सभी योजनाओं को हरा सकते हो। आपके कामकाजी में, आपके डिपार्टमेंट में, जहां पर धंधा करते हो, वहां पर सभी चीजों में बहुत जरूरी है। सुबह उठकर प्रार्थना में भरकर जब तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर की आत्मा आपको बिल्कुल साफ साफ आपके दिमाग में बताएगा, और उस महसूस में अगर तुम काम करने लोगे तो उसके सभी योजनाओं को तुम जान पाओगे। परमेश्वर की स्तुति हो। आज परमेश्वर से पूछने वाले हो कि हे परमेश्वर, भविष्यवाणी की आत्मा मुझ पर आप उंडेल लीजिए। ठीक है, निश्चय रूप से परमेश्वर आपको देने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आप उपयोगी बनने वाले हो। आमेन। आप बाइबल में देखिए, पहले कुरिन्थियों की पत्री 14वें अध्याय के पहले वचन में भी इस भविष्यवाणी के वरदान को ढूंढने के लिए कहता है, उसमें धुन रहने के लिए कहता है। तो निश्चय रूप से इन आखिरी दिनों में आप परमेश्वर का मुंह बनकर रहो। आमेन। परमेश्वर के वचन को बोलने वाले लोगों की तरह बनकर रहना, यही परमेश्वर की इच्छा है। आपके अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है उसे अग्नि दो। अकेले में ज्यादा प्रार्थना कीजिए, अलग रूप से परमेश्वर आपको उपयोग करेगा। आपके घर के लिए भी आशीष बनकर रहोगे। प्रार्थना करते हैं। आशा के साथ मेरे साथ मिलकर हमारे प्यारे पवित्र परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी पर सभी अधिकार पाए हुए यीशु राजा, तेरे बच्चे आत्मा में भर कर प्रार्थना कर रहे हैं। इन आत्मिक वरदानों के बारे में एक अच्छी समझ, सिर्फ एक समझ ही नहीं, एक समझने की मनोभावना उनके अंदर उत्पन्न हो। उस कारण जो भी उनकी जिंदगी में आने वाली है उसे जानकर अनुग्रह के साथ सभी चीजों को ठीक करने के लिए, उनके पढ़ाई में, उनके धंधे में, उनके धंधे में, सभी चीजों में जीतने के लिए सहायता कर। तेरे हाथों में सौंप देता हूं। अब तक तूने चलाया है, अब भी और आगे उन्हें चलाने वाला है। इस रीति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन।
परमेश्वर की स्तुति हो। निश्चय रूप से आप देखिए, आने वाले दिनों में अनुग्रह बाहर प्रकट होने वाला है, आपके द्वारा प्रकट होने वाला है। दूसरों को जरूर शेयर करें, हिंदी में जिन्होंने सुना है, जितना हो सके पूरे मैक्सिमम इंडिया भर आप इसे फैलते रहें। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दें।